हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कमीज़ की बॉर्डर पे डिज़ाइन बनाएंगे और वो डिज़ाइन हम इस तरीके से बनाएंगे जैसे हमने ये पेंसिल से हल्का हल्का डिज़ाइन बना लिया है। अब इसके ऊपर हमको ये मशीन से डिज़ाइन बनाना है। ये एकदम हमारी सादा मशीन है और इस तरह की वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने सादा सिलाई मशीन से डिज़ाइन बनाकर बताए हैं, लेकिन वह डिज़ाइन मैंने सादा कपड़े पे बनाए हैं, कुर्ती या कमीज़ की बॉर्डर पे नहीं बनाए हैं। आज मैं हमारी जो कमीज है इसकी बॉर्डर पे डिज़ाइन बनाऊंगी। इस डिज़ाइन को आप भी बहुत ही आसानी से अपनी कमीज की बॉर्डर पे बना सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। मैं बता दूं कि आप इस तरीके से कोई फ्रेम ले लीजिए, बस इस फ्रेम की मदद से आप बहुत ही आसानी से अपनी कमीज़ के ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप बिगर फ्रेम के जो डिज़ाइन बनाएंगे तो वे टाइम भी बहुत लगेगा उसमें और डिज़ाइन भी इतना सफाई से नहीं बनेगा। देखिए, मैं ये फुट पैर इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि इसमें मेरा ये जो फ्रेम है तो इस फुट पैर की वजह से ये फ्रेम इसमें अंदर नहीं जा रहा है, तो इसलिए मैं फुट पैर खोल रही हूँ। अगर आप बिगर फ्रेम के कढ़ाई करना चाहते हैं तो फुट पैर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फुट पैर को कढ़ाई करते समय ऊपर रख लीजिए, यानी कि ऊपर कर लीजिए, तो आप बिगर खोले भी आप कढ़ाई कर सकते हैं। और आज मैं इसमें बिगर सेटिंग करे कढ़ाई करूँगी। जो मैंने पहले वीडियो डाली है उसमें मैंने यहाँ से सेटिंग करके बताया है, यहाँ से जो हमारी ये दाती होती हैं नीचे जो कपड़े को खींचती हैं इनको निकाल के और फिर कढ़ाई करके बताया है। वह मैंने इसलिए बताया कि जैसे आप पतले कपड़े पे कढ़ाई करते हैं तो आपका कपड़ा उनमें उलझता है, तो इसलिए हमने खोल के बताया है। आज हम बिगर खोले कढ़ाई करेंगे। और जैसे आप सुई की बात करते हैं तो आप पतले कपड़े पर जब कढ़ाई करते हैं तो जैसे 12 या 14 नंबर की सुई से करते हैं तो और भी बेहतरीन तरीके से कढ़ाई होती है, लेकिन आप 16 नंबर की सुई से भी आसानी से कढ़ाई कर सकते हैं। और कोई नंबर की सुई उपलब्ध नहीं है तो आप जिस नंबर की सुई से सिलाई करते हैं उसी नंबर की सुई से ये कढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। और जैसे आप सवाल करते हैं कि प्रेशर वाली जो मशीन होती है उससे हम ये कढ़ाई कर सकते हैं क्या, तो मैं बता दूं कि प्रेशर वाली जो मशीन होती है उससे और भी बेहतरीन कढ़ाई होती है। और जैसे आप सवाल करते हैं कि हमारा धागा उलझता है नीचे की साइड, तो धागा इसलिए उलझता है कि जैसे ये दांती हम नहीं खोलते हैं तो हम जब कपड़े को आगे पीछे करते हैं कढ़ाई करते समय तो हमारा धागा इसमें उलझ कर उसके गुच्छे बन जाते हैं, इसलिए हम इस दांती को खोलते हैं। लेकिन इस दांती को नहीं खोलते हैं तो ध्यान से आपको कढ़ाई करनी होगी और आप आसानी से बिगर खोले कढ़ाई कर सकते हैं। देखिए, ये डिजाइन मैंने 3 इंच की चौड़ाई में बनाया है और यहाँ से मैंने 3.5 इंच की चौड़ाई ली है क्योंकि यहाँ से हमारा बॉर्डर के बराबर फोल्ड हो जाएगा और हमारा फ्रेम भी इसमें अच्छे से बैठ जाएगा, क्योंकि मैं ये फ्रेम इस्तेमाल करूँगी इसलिए मैंने ये 3.5 रखा है। वैसे भी जो हमारी बॉर्डर होती है उसके बराबर हमको ज़्यादा कपड़ा रखना होता है। इसको हम इस तरीके से फोल्ड करके और इस पे सिलाई लगाएंगे, इस तरीके से हमको सिलाई लगानी है। और आप कटिंग करते समय ध्यान से कटिंग करिएगा, जितनी हमको बॉर्डर रखनी है उतना ही हमको नीचे ज़्यादा कपड़ा रखना है। और इस पे फिर हम इस तरीके से जैसे हमने ये डिज़ाइन बनाया है इसी तरीके से आप डिज़ाइन बना लीजिए कोई भी पैटर्न। देखिए, फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक हम डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद हम इस फ्रेम को दूसरी साइड में लगाएंगे। इसी तरीके से हम 2 बार में ये कपड़े को कवर करेंगे। और अगर आप पहली बार कढ़ाई कर रहे हैं या आपका पतला कपड़ा है तो आप इस तरीके से कोई पेपर ले लीजिए, जैसे कि ये पेपर लिया है, और इस पेपर को आप नीचे की साइड लगा के आप और अच्छे से कढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रैक्टिस है तो आप बिगर पेपर के भी कढ़ाई कर सकते हैं। अब ये कढ़ाई हम यहाँ से शुरू करेंगे।
देखिए यहाँ पे ये फूल मैंने बना लिया है इस तरीके से। अब हम इन पत्तियों को बनाएंगे और ये हमने धागा चेंज कर लिया है। इसी तरीके से हमको ये पत्ती बनानी है। ये आप इस तरीके से धागा अटैच कर लीजिए पहले, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इस डाली को बना के और यहाँ पत्तियों को बनाएंगे। देखिए जैसे हमने ये डिजाइन बनाया है, अब इसी तरीके से हम पूरी बॉर्डर पे डिजाइन बनाएंगे और इसी कलर से डिजाइन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हमने ये पूरा पैटर्न कंप्लीट कर लिया है और ये सिलाई वाले धागे से ही बनाया है। इसी तरीके से आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। देखिए सिलाई के लिए हमने दोनों साइड में थोड़ा कपड़ा छोड़ दिया है और यहाँ पर हमने डिजाइन नहीं बनाया है। देखिए इस तरीके से आप कोई भी पैटर्न पहले पेंसिल से बना लीजिए और फिर उसके ऊपर आप आसानी से ये कढ़ाई कर सकते हैं। आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।